नियम पढ़ने के बाद एक वचन से बहुवचन बना रहे थे, जिसे हम प्लुरल बोलते हैं, सिंगुलर को प्लुरल में बदलना। उसके नियम हमने पढ़े कि कैसे कैसे लागू करते हैं, हम आज देखते हैं उसके वाक्य। बॉय, एक बहुवचन बनाना हो बॉय का, तो आप कहोगे पीछे वाई आ रहा है, वाई से पहले ओ आ रहा है, तो ए ई आई ओ यू किस में आता है, वोवेल यानी स्वर में आता है। वाई से पहले कोई स्वर हो तो बहुवचन बनाते समय केवल एस का प्रयोग करेंगे, तो बॉय के पीछे एस लगा देंगे तो बॉयज बन जाएगा, बहुत सारे हो गए। वैसे ही मैन है एम ए एन, हमने कहा कुछ नाउन ऐसी होती है जिसको एक वचन से बहुवचन बनाते समय अंदर वाले वोवेल को बदल देते हैं। जैसे मैन है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो एम ई एन हो गया, एम ए एन की जगह एम ई एन। जैसे वुमेन है डब्ल्यू ओ एम ए एन, इसको बहुवचन में बनाएंगे तो डब्ल्यू ओ एम ई एन बन जाएगा, ई लगा दिया। आगे बात हमें क्राई सी आर वाई, तो वाई है, वाई से पहले क्या आ रहा है, देखो आर आ रहा है, वाई से पहले आर स्वर है कि नहीं है, स्वर तो ए ई आई ओ यू है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं हो कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम क्या लगा देंगे, आर आई ई एस लगा देंगे, तो क्राइज हो जाएगा सी आर आई ई एस। चाइल्ड आया, एक बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो कुछ ऐसी होती है जिनके पीछे जैसे चाइल्ड है तो आर ई एन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा, चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। जैसे वॉच है डब्ल्यू ए टी सी एस, तो एक नियम और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिन नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ हो वहाँ पर बहुवचन बनाते समय ई एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सी एच आ रहा है तो वॉच के लिए क्या लगा देंगे, वॉचेस लगा देंगे, ई एस लग गया। जैसे हीरो है एच ई आर ओ, मैंगो है पीछे ओ आ रहा है, हमने क्या पढ़ा अभी एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ हो वहाँ पर बहुवचन बनाते समय ई एस का प्रयोग करेंगे तो हीरोज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कुछ में एस लगता है, किसमें ई एस लगता है, कहीं जो है वाई हटता है कहीं वाई हटते नहीं है, उसके नियमों को ध्यान रखना है। जैसे आर्मी है, आर्मी में पीछे क्या आया, वाई आया, वाई से पहले स्वर है कि व्यंजन है, एम व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, वाई को हटाकर क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है, तो आर्मी का क्या हो गया, आर्मीज हो गया, आर्मी का आर्मीज। बेबी आया बी ए बी वाई, पीछे वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वाई से पहले अगर बी आ रहा है तो बी अपना स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो वाई को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, तो बेबी का क्या हो गया, बेबी का बेबीज हो गया। जैसे यहाँ पर आर्मी का क्या हुआ, आर्मीज हुआ, वैसे बेबी का क्या हो गया, बेबीज हो गया। पॉपी सी ओ पी वाई, वाई आ रहा है, वाई से पहले फिर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आई वाई हटाकर क्या लगा देंगे, आई एस। बहुत सारी कॉपियां हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपीज बोलेंगे। जैसे अब टॉय है टी ओ वाई, वाई फिर आ रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ, ओ क्या है, वी ए ई आई ओ यू में वोवेल है, स्वर है, तो जब वाई से पहले स्वर आता हो तो वाई को हटाना नहीं है, क्या लगाना है, एस। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखें, कैसे हमने एस लगाया, कैसे आई एस लगाया। जैसे इसका ही आ गया एस के वाई, इसका ही करना है, वाई हटाया आई एस लगा दिया, इसका ही हो गया एस के आई एस। आगे देखो नेक्स्ट, एक है बहुत सारे घोंसले हैं तो एन ई एस टी एस, सामान्यतः बहुवचन बनाते समय एस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने बहुवचन परिवर्तन कर लिया सिंगुलर से प्लुरल में। धन्यवाद।